ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार मन की प्रकृति को समझते हैं। वास्तव में हम ध्यान किसे कह सकते हैं? मन का किसी एक विषय पर लगना या मन में किसी एक विचार को बनाए रखना है ना। हम लोग आज के समय में 10 जगह मन को लगा के रखते हैं, तो जो हमारा अभ्यास है मन को 10 जगह में लगा के रखने के लिए, वो अवस्था हमको ध्यान करने के लिए बाधक होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को एकाग्र करना है। एकाग्र मतलब हमें अपने मन को एक दिशा में लगाना है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, तो मन में एक आदत बन जाती है कि एक ही विषय पर, एक ही वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। जब हम अपने मन को एक ही विषय में ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको कहते हैं कि धारणा, उसको धारण किया है हमने अपने मन पर, वही धारणा आगे जा करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त होता है। और ये ध्यान की अवस्था किसी विषय के रूप में या किसी वस्तु को हम अपने मन पर धारण नहीं कर रहे हैं। ये जो अवस्था है वो एक मन की अवस्था आती है, जिससे आप जीवन को उस ध्यान की अवस्था में जीते हैं। अगर हम इस प्रकार से इसको देखें कि हमारे मन में एंजाइटी उत्पन्न होती है, डिप्रेशन उत्पन्न होता है ना, क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो हम जो जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हम इस मानसिक अवस्था से कर रहे हैं। अगर मैं खाना भी खाता हूँ और मेरी मानसिक अवस्था उस समय क्रोध का है या एंजाइटी है उस समय, या फिर डिप्रेशन है, तो मैं उसी प्रकार की क्रियाकलाप को बाहर प्रकट करता हूँ। और आप आसानी से उसको पहचान जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति तनाव में है, या इस व्यक्ति को डिप्रेशन है, या इस व्यक्ति को एंजाइटी है, या ये व्यक्ति क्रोध में है। जब आप चलते हैं तो आप पहचान के बता देंगे कि ये व्यक्ति क्रोध में चल रहा है या ये व्यक्ति शांति से चल रहा है। तो जब आप मन में एक ध्यान की अवस्था को उत्पन्न करते हैं और उस जीवन को जीते हैं उस अवस्था से, तो हर क्रियाकलाप जो आप अपने जीवन में करते हैं, वो पूर्ण सजगता और पूर्ण ज्ञान और विवेक से करते हैं। और इस अवस्था में किया गया कोई भी कर्म और कार्य आपको कभी भी तनाव या फिर दुविधा की स्थिति में नहीं डालता, जिससे आप अपने जीवन में सदैव और निरंतर शांति का अनुभव कर सकते हैं, ना कि केवल अभ्यास करते समय। यही ध्यान का मुख्य उद्देश्य और उसका लक्ष्य है हमारे जीवन में। योगियों के लिए उसके लिए और भी कुछ लक्ष्य होता है।